इवन एन ऑड एक्सटेंशन मैंने एक पार्ट कराया था, यू रिमेम्बर ना? यस यस, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ. क्वेश्चन भी यूं सोचने वाला है, हर बैच में मैं कराता नहीं हूँ, बट इससे फायदा बहुत होगा देखना कभी भी ना कभी टॉपिक वाइज टेस्ट में. जो हो जाएगा तो और अच्छी बात. लिखो, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो हैज एट डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन एंड एफ आल्सो सेटिस्फाइज दिस, देन फाइंड द सम ऑफ ऑल द एट सॉल्यूशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो. ट्राई करो, यू हैव 2 मिनट्स. Last class I gave some question as homework also, yeah? Yes, sir. Yeah, मुझे तो नहीं दिख रहा. Sir, last page. Odd extension, ना? Yes, sir. तो कर लिया होगा तुमने. Odd extension क्या होगा? वो तो sin x ही हो जाएगा answer, okay? Yes, sir. Sin x. डाउट अगर पूछ लेना कोई, वो तो जस्ट उसका सेकंड पार्ट था. ट्राई दिस फास्ट, थोड़ा सोचोगे फिर मैं समझाऊंगा तो बेटर रहेगा, इसलिए बोल रहा हूँ. ट्राई इसके बारे में बस थोड़ा सोचो, ग्राफ कैसा होगा.
यस बच्चों, कुछ सोचा? नहीं बड़ी, व्हाट जो मैंने सर्कल वाली इक्वेशन की उसके बारे में समझाओ बस मुझे। आंसर आंसर तो ठीक है, सही होगा वैसे, करेक्ट है, बट कैन यू एक्सप्लेन इसका क्या मतलब है? एफ ऑफ फोर माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ फोर प्लस एक्स, एनीबॉडी? एक्स की कोई वैल्यू सकते तो भी थोड़ा जजमेंट हो जाता है, एनीबॉडी? ये मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। तुम इंटरेक्ट नहीं करोगे फिर नेक्स्ट टाइम से मैं भी कोई अच्छे क्वेश्चंस नहीं कराने वाला, दिस इज एक्स्ट्रा ना, ये सब एक्स्ट्रा चीजें हैं जो मैं करा रहा हूँ, ये मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं, बट इफ यू डोंट इंटरेक्ट, इफ यू डोंट स्पीक अप, मैं भी नहीं कराने वाला। Anybody wants to try? ठीक बता रहा हूँ, बट नेक्स्ट टाइम से मैं ऐसे कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं लूंगा, कोई कोई बोलना ही नहीं चाहता है तो ठीक है। ये 4, 0, देखो x को 1 रखोगे तो f ऑफ 5 इज सेम एज f ऑफ 3, इवन फंक्शन में भी मैंने कुछ समझाया था ऐसा ही। अच्छा 5 पे कोई भी वैल्यू होगी, इट डजेंट मैटर क्या है, 3 पे भी वही वैल्यू है। x को 0.1 रखोगे तो f ऑफ 4.9 इज सेम एज f ऑफ कितना, 3.9, देखो 4.1 इज सेम एज 3.9, मतलब 4 के आसपास ग्राफ कैसा है कुछ जज हुआ। x को 2 रखोगे तो f ऑफ 6 इज सेम एज f ऑफ 2, एनीबॉडी? सिमेट्रिक, हां द ग्राफ इज गोइंग टू बी सिमेट्रिक अबाउट द x इक्वल्स टू 4 लाइन, क्या ये सबको समझ आया? यस सर। इसका ये मतलब होता है, मतलब कभी भी मैं लिखाऊंगा f of a plus x equals to f of a minus x आया, मतलब graph is symmetrical about a, x equals to a line, is that clear? Yes sir. A graph is symmetrical about x equals to 4 line, मतलब 4 के right में जो value होगी वही 4 के left में होगी, isn't it obvious now? Yes sir. तो can I say अगर graph by the way ये 4 है ना, by the way 7, 0 पे cut किया, मतलब 7 उसका एक रूट है? Yes, sir. तो ग्राफ 100% 1, 0 पे भी कट करेगा, come on, और वो उसका दूसरा एक और रूट होगा ही होगा, ये एग्री करो यहाँ तक, क्यों? क्योंकि इसकी डिस्टेंस भी 3 है और इसकी डिस्टेंस भी 3 है, बाय द वे बोला मैंने, करेक्ट यहाँ तक? Yes, sir. चलो अच्छा तुम देखना ना, एक अल्फा 7 था तो एक बीटा 1 था, अब नेक्स्ट चीज करते हैं, चलो कुछ और चेंजेस करते हैं, लेट्स से 6 पे कट कर दिया तो यहाँ पे कहाँ पे कट करेगा? 2, 0 पे, मतलब एक और सेट अल्फा 6 हो गया तो बीटा 2 होगा, किसी ने कुछ पकड़ा कि सम ऑफ द रूट्स हमेशा 8 होगा? देखा सबने पैटर्न? यस, इफ अल्फा इज इक्वल टू 7 देन बीटा इज इक्वल टू 1, इफ अल्फा इज इक्वल टू 6.9 देन बीटा इज इक्वल टू 1.1, सम ऑफ द रूट हर पेयर का 8 होने वाला है, क्या ये सबको क्लियर है? यस सर। And since 8 roots are there, therefore there will be how many pairs? 4 pairs. Sum of each pair is? 8. So final answer is? 4, 8. अब समझ में आया सबको question? Yes. So apart from 32 answer निकालना, मेरे को ये भी important था बताना. तो मैं अभी लिखाऊंगा next line में, next page पे लिखा दूँ, copy कर लूँ. ऐसे अच्छे क्वेश्चन करोगे ना तब जेई का लेवल बढ़ता है।
ओके आई होप हो गया यहाँ तक. Can I go next page? Yes, sir. So note, either of these equation, f of a minus x equals to f of a plus x, or f of x equals to f of 2a minus x. ये दोनों same ही actually. इससे कैसे लाऊंगा? X को x minus a से replace करूंगा, ये आ जाएगा. Got it? Yes, sir. Both says graph is symmetrical about x equals to a line. Graph is symmetrical about x equals to a line. Copy कर लो और एक question दे रहा हूँ, homework में कर लूंगा. अभी class का मुझे time waste नहीं करना. ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन बाद में कॉपी कर लेना भले, बट देख लो बस ये सब. आप में फैमिलियर है, एग्री करो? यस सर. यस, आई एम मूविंग ऑन नाउ. थर्ड लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, फंक्शनल इक्वेशंस. फंक्शनल इक्वेशन क्या होती है? तुमने पीरियोडिसिटी से देख रहे हो, f of x equals to f of x plus 6 is a functional equation. F of x plus f of x plus 6 equals to 0 is also a functional equation. Functional equation means equation in f of x. Clear yahan tak? Yes, sir. So, hum three types ki functional equation abhi dekh rahe hain. Vaise to ye chapter pure syllabus mein, sorry, chapter nahi, ye topic pure chapter mein chalega. Sabse pehle function mein iska lallu panju roop dekh rahe hain, soch lo. डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर आएगा, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर ऑफ कैलकुलस, तब इसके बारे में और डेप्थ में देखेंगे. और सबसे मस्त वाली चीजें तो देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर में, 5, 6, 7 चैप्टर ऑफ कैलकुलस. व्हाट इट यहां तक? यस. तो यहां तो आज क्या होगा, इसका इंट्रो है एक तरीके से. इजी इजी क्वेश्चंस, डिफिकल्टी धीरे धीरे एज कैलकुलस ट्रैक विल गो ऑन यू विल लर्न अबाउट दिस टॉपिक. तो फंक्शनल इक्वेशन में आज हम पढ़ेंगे तीन टाइप की फंक्शनल इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जैसे ऊपर वाली वन वेरिएबल की इक्वेशन है, f of x plus f of 1 minus x equals to 4, कहने से ये भी फंक्शनल इक्वेशन है बट वन वेरिएबल में है. एवरीवन? यस सर. फंक्शनल इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, f of x plus y is equals to f of x plus 3 f of y plus 4, ये थ्री टू वेरिएबल्स हो गया, करेक्ट? Yes, sir. और फिर तीसरा देखेंगे सम स्टैंडर्ड फंक्शनल इक्वेशन, मतलब कोई रिजल्ट्स जो हमें याद करने हैं. रिजल्ट्स कुछ होंगे ऐसे, देखो f of x y equal to f of x plus f of y, तुम सब गेस कर सकते हो. अच्छा, मल्टीप्लाई करने से स्प्लिट में प्लस हो जाता है, ऐसा कौन करता है? कौन सा फंक्शन करता है कि मल्टीप्लाई रखोगे इनपुट फिर वो स्प्लिट होके एडिशन में हो जाता है, कौन करता है ऐसा? लॉग. लॉग. देखा कैसा मस्त हिट किया ना तुमने, करेक्ट बच्चों? यस सर. तो ये सब हमें देखना है, यहां तक चार्ट बनाना है, बना दो.
ओके आई थिंक कॉपी हो गया सबका. यस सर. पार्ट है हेडिंग डाल दो फंक्शनल इक्वेशंस इन वन वेरिएबल. पहला डायरेक्टली क्वेश्चन करेंगे तो कुछ नहीं, बस क्वेश्चन का एक्सपीरियंस देना है. Directly, I'll take question for you. So stop writing and interact with me. ये question है देखो. Yeah, for x belongs to R, the function satisfies this. Twice f of x. Can I say functional equation in one variable, everyone? Yes, sir. बताओ ऐसे क्वेश्चन जब पीरियोडिसिटी में करे थे क्या करते थे. एनीबॉडी रिमेम्बर? रिप्लेस. रिप्लेस, वेरी गुड. जो भी एफ के अंदर इनपुट से उनको रिप्लेस करते थे ना. यस सर. तो यहाँ पे भी यही करोगे. रिप्लेस एक्स विथ व्हाट? कम ऑन. वन माइनस एक्स. तो इक्वेशन आ गई ट्वाइस एफ ऑफ वन माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ वन माइनस ऑफ वन माइनस एक्स. थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया और फिर हैप्पी बर्थडे. मजा आ गया. क्यों मजा आ गया? एक तरीके से दो इक्वेशन बन गई. दो वेरिएबल्स है हमारे पास. वेरिएबल्स कौन? वन वेरिएबल एंड ये रहा दूसरा वेरिएबल. कम ऑन, कैन आई से लाइक दैट? यस सर. अब एलिमिनेट कर देते हैं सेकंड इक्वेशन से एफ ऑफ वन माइनस एक्स को. एलिमिनेट कर देता हूँ कैसे? फर्स्ट इक्वेशन को टू से मल्टीप्लाई कर दू. चलेगा ना? यस सर. एलिमिनेशन है एलिमिनेशन, तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए. अब दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट करता हूँ. माइनस 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 तबाई तबाई एफ ऑफ एक्स माइनस फोर एफ ऑफ एक्स माइनस थ्री एफ ऑफ एक्स. आई होप यू कैन सी आंसर आ गया. एफ ऑफ एक्स आ गया मतलब सब कुछ आ गया. क्वेश्चन ने कुछ और पूछा है तो निकाल लेंगे. एफ ऑफ फोर पूछा है तो एक्स को कितना रख दूं? 16 प्लस 8 24, 24 माइनस 1 23 बाय 3 आई थिंक ऑप्शन सी. सिंपल एवरीवन? यस सर. बस रिप्लेस करते जाओ. कभी कभार एक से ज्यादा बार भी रिप्लेस करना पड़ता है. डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन यू विल गेट द हैंग ऑफ इट. ओके यस. यस डन कॉपिंग बच्चों. एक सेकंड. ओके आई एम चेंजिंग द पेज एंड गिविंग यू नेक्स्ट क्वेश्चन. करो ये.
हाँ हुआ बच्चों, ओके जल्दी करो। फॉर ऑल रियल एक्स ग्रेटर देन जीरो, उसके बाद कुछ नहीं है, द वैल्यू ऑफ। ओके आई थिंक हो गया, क्या आंसर आया बच्चों, चिल्ला के बताओ। करेक्ट अवनी मिस्टेक, संयम करेक्ट, ईशान जैन करेक्ट, महिमा मिस्टेक करेक्ट, सर्वेश करेक्ट। इजी है यार, एक्स को करेक्ट अवनी, एक्स को वन बाय एक्स से रिप्लेस करेंगे, एफ ऑफ वन बाय एक्स प्लस थ्री एक्स एफ ऑफ एक्स is it 3 by x or you know is it just twice of 1 by x plus 1 ab f of 1 by x ko eliminate karna hai to isi equation ko main 3x se multiply bhi kar raha hu I hope wo samajh gaye kyun kar raha hu okay yes sir just 3x hai to 3 into 2 6 aur fir x ko andar multiply kar diya 1 plus x ye first equation ye second equation ab kya karein subtract माइनस माइनस ये गया माइनस माइनस तो क्या आंसर आया एफ ऑफ एक्स माइनस नाइन एफ ऑफ एक्स इज माइनस एट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वन माइनस सिक्स टाइम्स ऑफ वन प्लस एक्स तो माइनस एट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस फोर टाइम्स वन प्लस एक्स एट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू फोर टाइम्स प्लस हो गया आंसर f of x is equal to 1 plus x by 2 अब उसकी वैल्यू डाल दो f of क्या है 1 0 0 9 9 1 0 0 तो 1 0 1 0 0 by 2 आएगा आंसर 5 0 5 0 ओके यस कॉपी फास्ट ओके हो गया आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन करूं ट्राई दिस
अच्छी तरह ट्राई Yes. No Prashas, no Gautam, no Zayam. Nobody? Should I do it or do you need more time? No time. Hello, little. Okay, 1 minute over.
okay, we'll discuss now. Shravya correct, Aman correct, Prashant no. चलो गुड, देखो मेरे साथ अब ये तो फर्स्ट इक्वेशन है ही है, ऑब्वियसली सबसे पहले तुम रिप्लेस करोगे x को किससे, 1 अपॉन 1 माइनस x से, सो f ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस x, अच्छा बात है। अब दूसरा भी f ऑफ x में होना चाहिए, नहीं होगा तो फिर थोड़ी मेहनत का काम और है, सो f ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस x प्लस ट्वाइस ऑफ f ऑफ ऊपर 1 माइनस x जाएगा, और यह 1 माइनस x माइनस 1 माइनस 1, मतलब ओवरऑल x माइनस 1 आएगा, करेक्ट और नॉट? यस सर। तो ये नॉर्मल सिचुएशन से हटके है ना, तीन वेरिएबल हो गए अब तो, कमान ये तीसरा, यस सर। तो मतलब अब एक बार और रिप्लेसमेंट करना है, ओरिजिनल में ही फर्स्ट में ही अपन x को या फिर इसमें इसमें करें, x को x माइनस 1 से रिप्लेस करेंगे, डिनोमिनेटर में अच्छा ये x माइनस 1 डिनोमिनेटर में है क्या? नहीं डिनोमिनेटर में, अच्छा डिनोमिनेटर में भी x आएगा करेक्ट ना? हाँ सर। तो ओरिजिनल में x को x माइनस 1 बाय x से रिप्लेस करते हैं वापस, एक और ये वेरिएबल एक बार और बनाते हैं, प्लस ट्वाइस f ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस x माइनस 1 बाय x इज x माइनस 1 बाय x, तो f ऑफ x माइनस 1 बाय x प्लस ट्वाइस f ऑफ ऊपर x जाएगा x माइनस ये x बाय 1 आ जाएगा, चलो अच्छी बात है, चौथा वेरिएबल नहीं बना, तीनों इक्वेशन से एलिमिनेट करना है, गॉट इट? यस सर। अब कर लोगे इतना या ये भी बताऊं जल्दी बोलो यार, शुड आई वेस्ट माय टाइम और यू विल डू इट? वील डू इट। हां एलिमिनेट एंड गेट f ऑफ x कितना आता है, अमन सभिया ये बताएगा f ऑफ x कितना आता है? माइनस 4x माइनस 4 बाय x प्लस 2 बाय x माइनस 1 9 f ऑफ x प्लस 2 x माइनस 2 अपॉन सिंप्लीफाई, मेरे को मेरे पास जहाँ है वहाँ सिंप्लीफिकेशन नहीं है, बस लिखा हुआ है ऐसा, और फिर यहाँ पे x को 2 डाल दोगे, क्या पूछा था मैंने, x को 2 डाल दोगे तो f ऑफ 2 की वैल्यू आ जाएगी 2 बाई 3, तो 3 f ऑफ 2 इज 2, ओके एवरीवन? यस। कोई इश्यू किसी को? नेक्स्ट बताओ बी पार्ट की हेडिंग क्या होगी, ए पार्ट तो हो गया, बी पार्ट इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स करेक्ट इक्वेशन, पहला लल्लू क्वेश्चन मेरे साथ देखो, उसमें तो इजी से चालू करेंगे क्योंकि ये बिल्कुल तुम्हारे लिए नई चीज है, बट धीरे धीरे यू विल फील कंफर्टेबल विद इट, एज आई टोल्ड यू तो तीन चार चैप्टर में आता रहेगा ये टॉपिक, कैन आई से टू वेरिएबल्स दिख रहे हैं सबको? यस सर। देखो अब यहाँ पे रिप्लेसमेंट से कोई फायदा नहीं होने वाला है ना, वाई को एक्स प्लस वाई के दो वेरिएबल्स से कोई मतलब नहीं, पर सबसे अच्छी बात है कि अच्छा ये बोल रखा है कि हर एक्स और वाई के वैल्यू के लिए टू है, मतलब मैं x को 1000 y को 500 मेरी मर्जी जो चाहे डाल सकता हूँ, x और y दोनों को 0, यस आई कैन पुट ना? यस सर। ऑब्वियसली मैं ऐसा कुछ पुट करूंगा जिससे डायरेक्टली f ऑफ x आए और इसका यूज आना होगा तो बेटर ही है, मतलब ऑब्वियसली मुझे दिख गया कि y को कुछ रखना चाहिए, देखो y को 1 रखूंगा तो दैट इज नॉट अ गुड स्टेप, ये फील आ जाना चाहिए ना, तो f ऑफ 1 पता है ना ये निकालने की इच्छा है, f ऑफ 0 पता है, तो सबको हिट हो गया कि y को क्या रखना चाहिए, जीरो जीरो, y को जीरो रखोगे तो x को टच ही नहीं कर रहे हो अभी, और ये रखते ही आंसर आ गया, बस अभी लल्लू क्वेश्चन था इसलिए f ऑफ x इज x प्लस 2, क्लियर बच्चों? यस सर। तो बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस में तुम्हें x और y की वैल्यू रखनी है, कभी कभार सिर्फ y को रखना है, कभी कभार दोनों x और y को रखना पड़ेगा कि x और y दोनों को जीरो, या फिर x को 1 y को 0, okay you have to keep on trying things, it is not hit and trial, it is with logic, copy fast,
यस आई थिंक हो गया होगा. सेकंड क्वेश्चन करो. यस जल्दी करो यार. इंसान करेक्ट. वाई को कुछ रखो जिससे वाई का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो. थोड़ा दिमाग लगाओ. लास्ट 30 सेकंड. ओके, I think कर लिया होगा. y को क्या रखेंगे? जीरो. क्यों? क्योंकि ये f of x हो गया और राइट साइड में फायदा होगा बिल्कुल f of zero. इसको समझो, f of x is always f of zero. f of zero तो एक कांस्टेंट है. मतलब f of one भी f of zero है, f of two भी f of zero है, f of 4.9 भी f of zero है, f of 1000 भी f of zero है. इसका क्या मतलब है? कौन बता रहा है? Anybody? F of minus. No. इसका मतलब क्या? बस मैं वो पूछ रहा हूँ, ना आगे ना पीछे. F of one भी F of zero, F of two भी F of zero, F of thousand भी F of zero है. What does that mean? Words में, mathematical नहीं. F of x एक क्या? गधे बच्चे यार, मतलब ही नहीं पता. F of x एक constant है. That is k. Let's say k की value F of zero ही है. बट एफ ऑफ माइनस हाफ माइनस फाइव दे रखा है, इसका मतलब k की वैल्यू माइनस फाइव ही है.
and f of x is always minus 5. So f of 2019 पूछा है, f of 2021 answer minus 5 ही रहेगा. क्या ये क्लियर है बच्चों? Yes sir. थोड़ा सा दिमाग लगा के बोला करो ना यार, पता नहीं क्या बोलते नहीं हो. इतना समझाने के बाद भी क्या, f of 1 भी f of 0 है, f of 2 भी f of 0 है, f of 1000 भी f of 0 है, मतलब f of x is always f of 0. जल्दी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा फिर मैं एक और. किसी को डाउट यहां तक? नो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. अब बिल्कुल गलती नहीं, आंसर आना चाहिए. स्क्वायर है ना, f of this is root f of x plus root f of y का होल स्क्वायर, then find f of 2. Come on. रवेश का करेक्ट, भाविक नो, अवनी नो, बच्चों ईशान जैन करेक्ट. बच्चों पहले क्या एफ ऑफ वन निकलेगा, इतना रियलाइज किया नहीं किया, फिर एफ ऑफ टू निकलेगा. मॉन
last 10 seconds. Prashas correct, Gautam correct. Chalo good, ab kafi janon ka aa gaya. Please see. एफ ऑफ टू निकालना है तो मुझे भी आइडिया हो जाएगा कि एक्स को वन रख देता हूँ, वाई को जीरो रख देता हूँ, तो ये एफ ऑफ टू हो जाएगा. बट प्रॉब्लम ये आई कि एफ ऑफ टू के लिए अब एफ ऑफ वन चाहिएगा. करेक्ट एवरीवन? यस सर. ओके, ऑब्वियसली मेरा टेढ़ा दिमाग चल जाएगा कि चलो एफ ऑफ वन निकालते हैं, एक्स और वाई दोनों को क्या रखे, जीरो. एफ ऑफ वन इज इक्वल टू रूट एफ ऑफ जीरो प्लस रूट एफ ऑफ जीरो का होल स्क्वायर. एफ ऑफ जीरो इज वन, वन प्लस वन टू, टू का स्क्वायर फोर हो गया, तो वन में रख देता हूँ बस. मैं पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, तो एफ ऑफ टू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ फोर प्लस अंडर रूट ऑफ वन का स्क्वायर टू प्लस वन थ्री का स्क्वायर नाइन. सिंपल? यस. कोई डाउट? कॉपी फास्ट अगर किसी ने गलती की थी तो. Okay, next question. 2y square for all xy belongs to R, which is a constant. F of 2 is 8, then is key value nikal. तुम k की वैल्यू क्यों निकाल दो? किसने बोला k की वैल्यू? बताओ. अमन ऑल्सो, सर्वेश ऑल्सो, मुझे बताओ बस कि कहां पे k पूछा है, डिफाइंड की, वेयर इट इज रिटन. हाँ बच्चों जवाब देना, कहां पूछा है कि k निकालना है? सामने स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा हुआ है कि f ऑफ x प्लस y इंटू f ऑफ 1 बाय x प्लस y, वो निकालना है. फिर एग्जाम में भी ऐसे ही करोगे.
लास्ट मिनट नाउ हिंट, एक्स को कुछ रखो, वाई को नहीं, हिंट। सर्वेश करेक्ट, संयम करेक्ट। तो चमका बच्चों, y को क्या रखना चाहिए? एफ ऑफ वन भी यूज कर लो, सॉरी x को रखो, वन रखो एवरी वन। बाकी सब बच्चे ट्राई करो x को वन रख के देखो। x को वन भी नहीं, x को जीरो रख के देखो, x को जीरो रखो। करेक्ट विवेक, ओके इनफ टाइम, विदय करेक्ट, वेरी गुड। अब डिस्कस करेंगे, देख लो भाई। एक्स को जीरो रखा, एफ ऑफ वाई माइनस जीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो प्लस टू वाई स्क्वायर। बहुत अच्छी इक्वेशन आई है, एफ ऑफ वाई ऑलरेडी आ गया है और एफ ऑफ जीरो बस एक कांस्टेंट निकालना बाकी है। एम आई करेक्ट एवरीवन? यस। तो एफ ऑफ जीरो वापस निकाल लेते हैं ओरिजिनल इक्वेशन से, दोनों को जीरो पुट कर देते हैं। कुछ आता है क्या? देखें, नहीं आएगा, वैसे तो नहीं आएगा। एफ ऑफ वन टू फालतू का था ना, देखा, एक्स को वन रखते हैं और वाई को जीरो रखते हैं। एफ ऑफ वन माइनस जीरो इजिकल्स टू एफ ऑफ जीरो, नो एफ ऑफ वन, इससे फायदा नहीं होगा, उल्टा करो या इसी इक्वेशन में रख दो ना, उतना भी क्यों रखते। इसी इक्वेशन में वाई को जीरो रख देते हैं, सॉरी वाई को वन रख देते हैं। एफ ऑफ वन इज टू, which is f of 0 plus 2,
तो इसका मतलब एफ ऑफ जीरो कितना है बच्चों? जीरो. सो देयरफॉर एफ ऑफ वाई इज टू वाई स्क्वायर. करेक्ट ना एवरीवन? यस. तो अब जो पूछा है वो सब कुछ टू वाई स्क्वायर के फॉर्म में होगा. और क्या है like, ये जो फर्स्ट एक्सप्रेशन पूछा है इसकी वैल्यू क्या लिखूंगा बताओ? Twice into x plus y का होल स्क्वायर. एग्री करो? Yes, sir. और इसकी वैल्यू क्या रखूंगा? ट्वाइस इंटू वन बाय एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर. कैंसिल हो गया आंसर 4. इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर. कॉपी फास्ट. आई होप हो गया है ये सब क्वेश्चंस. तो क्या बिल्कुल बेसिक वाले हैं, इनमें टफनेस अभी इतना सोचो भी मत, बिकॉज थर्ड फोर्थ चैप्टर ऑफ कैलकुलस में ये टॉपिक वापस आएगा तब, और नई चीजें भी सीखोगे तब डिफिकल्टी बढ़ेगी. अभी तो ये बेसिक बस ऐसे ही क्वेश्चन. आगे बढ़ रहे हैं पार्ट सी. क्या एडिंग होगी? स्टैंडर्ड रिजल्ट, स्टैंडर्ड फंक्शनल इक्वेशंस. याद है? यस सर. याद है? चलो लिखना बंद करो, मेरे साथ रिजल्ट्स देखो. तुम खुद गैस करना, हिट एंड ट्वेल्थ का ही खुद गैस करो. लाइक पहला वाला तो मैंने तुमसे गैस कराई था. इफ एफ एफ ऑफ एक्स वाई इज एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, कैन यू गैस फंक्शन क्या होगा बच्चों? लॉगरिथम. लॉग. बट लॉग की जगह कोई और लॉग भी लूंगा तो भी सही है. कम ऑन, एग्री करो. यस यस सर. ऑब्वियसली कोई और भी होगा तो भी सही है. नेक्स्ट, अगर मल्टीप्लीकेशन में प्रोडक्ट भी मल्टीप्लीकेशन में ही दे तो कम ऑन बताना, एक्स क्यूब टाइप का फंक्शन सेटिस्फाई करेगा क्या इसको? देखना एग्जांपल, अगर मैं एफ ऑफ एक्स को एक्स क्यूब रखूं तो इज इट सेटिस्फाइंग इट? लेफ्ट हैंड साइड हो गया एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब. एक्स क्यूब क्या हो गया? एफ ऑफ एक्स. और ये हो गया एफ ऑफ वाई. सेटिस्फाई कर रहा है ना? यस सर. एक्स फोर भी करेगा, देखो एक्स फाइव भी करेगा, एक्स की पावर माइनस फोर भी करेगा. मतलब एफ ऑफ एक्स कितना होगा? एक्स की पावर एन. इज दैट ओके? मॉडुलस. यस सर. इन सब का प्रूफ के लिए और भी प्रूफ भी मैं बता सकता हूँ तुम्हें, बट वो पार्शियल डिफरेंशिएशन अभी नहीं बताना चाहता, इसलिए हम डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर में देखेंगे. ओके? यस सर. प्लस माइनस में हो सकता है ना. इफ नेक्स्ट एडिशन से प्रोडक्ट कर रहा हो, ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसमें तुम इनपुट एडिशन में देते हो और फिर वो स्प्लिट होके प्रोडक्ट हो जाता है? कम ऑन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन. कम ऑन, टू की पावर एक्स. लेफ्ट हैंड साइड विल बी टू की पावर एक्स प्लस वाई. फिर स्प्लिट करते हो तो प्रोडक्ट हो जाता है, नहीं हो जाता है एवरीवन? यस सर. तो सिर्फ टू की पावर एक्स या दूसरे एक्सपोनेंशियल भी चलेंगे? दूसरे भी चलेंगे. दूसरे एक्सपोनेंशियल भी चलेंगे. और एक्चुअली ए रेज टू पावर के एक्स लेना चाहिए, मतलब के कुछ भी हो सकता है तो भी ट्रू है वो. लेफ्ट हैंड साइड इज ए रेज टू पावर के इंटू एक्स प्लस वाई. स्प्लिट करूंगा तो ए रेज टू पावर के एक्स इंटू ए रेज टू पावर के वाई विच इज एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई. तो के कुछ भी रियल नंबर. एंड वन मोर, फिर तुम कॉपी करोगे. एडिशन से एडिशन ही रहे. एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, देन सिंपल क्या होगा? के एक्स होगा. और उसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता. एडिशन दे रहे हो और वो स्प्लिट होके भी एडिशन में ही रह रहा है, तो सिंपल लीनियर फंक्शन. कॉपी करो जाता.
यस हो गया एवरीवन, किसी को डाउट? बिल्कुल सही ईशान, हो सकता है के जीरो हो गया तो कांस्टेंट हो ही सकता है ना, मतलब यू अच्छा यू कांस्टेंट भी हो सकता है, बट वो कांस्टेंट के अलावा की फंक्शन की बात कर रहे हैं हम, अदरवाइज कांस्टेंट तो सबको सेटिस्फाई करेगा, एवरी डैम प्रॉपर्टी कांस्टेंट इज गोइंग टू सेटिस्फाई ना, तो ये तो बहुत ही जो फालतू की चीजें हैं जैसे कांस्टेंट और वो, उनको हटा के चीजें लिखी है। ओके कांस्टेंट तो हर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, उसमें क्या है। ओके फिफ्थ इंपॉर्टेंट नहीं करेगा उसको निशान, टू सी आ जाएगा। नेक्स्ट इफ एफ ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल, ये दे रखा है विच सेटिस्फाइज एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन बाय एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इनटू एफ ऑफ वन बाय एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। देखो कैसा है, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन बाय एक्स इक्वल टू वही प्रोडक्ट में है, देन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपको याद रखनी है वन प्लस माइनस एक्स की पावर एन होती है, इसका डेरिवेशन अलग से करेंगे, अभी कॉपी करो एक एग्जाम्पल से समझते हैं, कॉपी Yes, बच्चों सबका कॉपी हो गया, कैन आई गिव यू क्वेश्चन? यस सर। ये पांचों रिजल्ट याद करो एक बार वापस, ऐसे फैशन में याद करो कि अच्छा प्रोडक्ट से प्रोडक्ट ही रहता है तो एक्स की पावर एन, एडिशन से प्रोडक्ट हो जाता है ओके एक्सपोनेंशियल, उस तरीके से याद करो ये, लास्ट वाला तो देख के याद जाएगा, मतलब पहचान जाओ। बिल्कुल इजी इजी दे रहा हूँ ताकि बस ये टॉपिक समझ में आया तुम्हें, तो फटाफट करते जाओ, आई एम श्योर मुझे एक भी करने की जरूरत नहीं होगी। आफ्टर 30 सेकेंड्स मैं हर क्वेश्चन का आंसर लिखते जाऊंगा, फर्स्ट का अभी तक सर्वेश का सही है, अमन का सही है, ये बच्चे जो हर क्लास में स्पीकअप करते हैं हर बात में इंटरेक्ट करते हैं, इनका कॉन्फिडेंस खुद का ही राइज होगा, जो नहीं बोलते हैं तुम अपने कंफर्ट में रह रहे हो फिर तुम्हारा कॉन्फिडेंस राइज नहीं होगा, यू विल नॉट बी एबल टू डू क्वेश्चंस इन द होमवर्क आल्सो एंड सेम देन गोज फॉर एग्जाम्स, ये प्रोसेस है बच्चों, एग्जाम एकदम से नहीं हिलेंगे जब तक क्लास में इंटरेक्ट करके कोशिश नहीं करोगे, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। सर्वेश का सेकंड का भी सही है, पवन का भी सही है, सुशांत जैन भी सही है, भी सही है। ओके पहले का 100 अभी तक सबका आ जाना चाहिए था, आ गया बच्चों और बच्चियां? यस सर। ओके फर्स्ट में किसी का डाउट है? एनीबॉडी? फर्स्ट में एनी डाउट एनीबॉडी?
अवनी यस बोल रही है, क्या बोल रही है? नॉट सेइंग, नो डाउट. ओके सेकंड करो जल्दी से. तो देख के पहचान गए होगे. करेक्ट गौतम, आगे बढ़ो, थर्ड करो. करेक्ट हर्ष. ओके सेकंड का आंसर है 17. एफ ऑफ एक्स वन प्लस माइनस एक्स की पावर एन होता है. अब एफ ऑफ थ्री इज वन प्लस माइनस थ्री की पावर एन, इसका 10 रखा है तो डिसाइड हो गया भाई प्लस लेना है और एन को 2 लेना है. तो एफ ऑफ एक्स सबसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा एंड हेंस एफ ऑफ 4 आप निकाल सकते हैं. थर्ड वाला करो जल्दी से. करेक्ट अमन, सुशांत जैन करेक्ट. गौतम किसका दे रहा है तू? सर्वेश करेक्ट. इन सब बच्चों ने अच्छा फटाफट कर लिया, तो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लो. जैसे ही थर्ड क्वेश्चन समझा दूंगा फिर हटा दूंगा वो ना, देख लेना जल्दी से स्क्रीनशॉट या जो भी ले लेना. गौतम थर्ड का करेक्ट. थर्ड के लिए लास्ट 10 सेकेंड्स. हरी अप. थर्ड के लिए लास्ट 5 सेकेंड्स. रैपिड अप, रैपिड अप. नौ. चलो देख लो, एडिशन से प्रोडक्ट कर रहा है कौन है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन याद ही आ गया होगा. अब एफ ऑफ वन की वैल्यू हाफ है, सो ए रेस्ट पर के की वैल्यू हाफ है. ओके अब समेशन से तो हम कभी डरते ही नहीं है, क्या करते हैं? एक्सपांड. एफ ऑफ जीरो प्लस एफ ऑफ वन प्लस एफ ऑफ टू एंड सो ऑन. एफ ऑफ जीरो इज ए रेज टू पावर जीरो, एफ ऑफ वन इज ए रेज टू पावर के, एफ ऑफ टू इज ए रेज टू पावर टू के एंड सो ऑन टिल इनफिनिटी. दिस इज वन प्लस हाफ प्लस वन बाय टू का स्क्वायर अप टू इनफिनिटी. ये तो इनफाइनाइट जीपी है, बस सिंपल. आंसर टू. कोई डाउट? Anybody? No. Okay, first. Just a second. Karo ye wala question.
into कुछ हिट हुआ है कैसे करना है? हाँ सही। अरे पॉलिनोमियल भी बोल रहा है तो वो वाला फॉर्म याद आ रहा है, बट वो तो वन बाय एक्स में होता है, तो तुम्हें हिट नहीं हो रहा कि वाई को वन बाय एक्स रख के देखो। जल्दी से करो, कम ऑन। फिर एफ ऑफ वन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो दैट फाइंड आउट। करेक्ट प्रशांत, चल इनफ टाइम। पुट y 1 प्लस x f ऑफ x प्लस f ऑफ 1 बाय x प्लस ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, f ऑफ 1 हो जाएगा। ओके तो बिल्कुल वही फॉर्म है देखो, बस काश f ऑफ 1 और 2 कैंसिल हो जाए। ऑल ऑफ यू एग्री विथ मी? यस। तो f ऑफ 1 निकालना पड़ेगा, अभी ये पता लग गया है। तो वन निकालते हैं, तो दोनों एक्स और वाई को वन रखने से अच्छा जो इन्फॉर्मेशन है उसको भी यूज करो। एक को फोर रख दो, एक को वन रख दो, सही है ना? यस सर। तो एफ ऑफ फोर प्लस एफ ऑफ वन प्लस एफ ऑफ फोर इज इक्वल टू टू प्लस एफ ऑफ फोर इंटू एफ ऑफ वन। एफ ऑफ फोर की वैल्यू 17, एफ ऑफ वन को लेट्स एक्स बोल देते हैं, प्लस 17 इज इक्वल टू टू प्लस 17x। So x or 17x, 16x equals to 32. This implies x, which is f of 1, is 2.
तो फर्स्ट एंड सेकंड से f of 1 और 2 कैंसिल हो गया और हमने कंक्लूड कर लिया ना कि f of x is 1 plus minus x की पावर n. Yes, sir. अब f of 4 17 दे रखा है तो n की वैल्यू भी पता लग गई कि 1 plus x square ही है, करेक्ट? Yes, sir. तो f of 5 by 13, 26 by 13, 2. कोई डाउट? नो सर. Those who are copying, copy fast. Function का homework, homework मैंने जो group पे भेजा कर रहे हो ना regularly? Yes. Calculus से कुछ booklet के अलावा extra भी करना है, यूँ सोच के चलो calculus में. Booklet तो होनी चाहिए. थोड़ा एक्स्ट्रा करना है तो बुकलेट को टाइमली करते रहो. ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे. यस, कोई चूजा इसमें? आज पीडब्ल्यूटी है किसी का? एवरीवन, आज मतलब संडे को कोई टीडब्ल्यूटी किसका है? सर्कल्स. सर्कल्स का. ओके, चलो ये क्वेश्चन ट्राई करना, अच्छा क्वेश्चन है. विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास आफ्टर यू ट्राई इट थॉरली. ओके, ठीक है बच्चों? ओके सर. यस, और जो प्रैक्टिस शीट भेजूं वो भी करना है, बुकलेट करनी है. कंटिन्यू डूइंग द हार्ड वर्क. टाटा, बाय बाय.